कि जो नीट एग्जाम है ना वो कंपटीशन ऑफ डिग्री है ना कि डॉक्टर बनने का कंपटीशन है। ये बस डिग्रियां डिसाइड करता है कि आपको कौन सी डिग्री मिलेगी। अगर आपके सबसे अच्छे नंबर आएंगे तो आपको ये वाली डिग्री मिल जाएगी, उससे कम आएंगे तो ये मिलेगी, उससे कम आएंगे ये इस तरीके से ही जैसे नंबर कम होते जाएंगे वैसे आपकी डिग्रियाँ बदलती जाएंगी। अगर आपको MBBS मिल जाएगा तभी आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे, ये अपने दिमाग में आप निकाल दीजिए। और यही कारण है कि बच्चे सालों साल तैयारी करते रहते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई बताएगा नहीं, हर कोई यही कहने में लगा पड़ा कि हमारा बैच आ गया, ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो इस चीज़ का सपना आपको दिखाते हैं। जब तक आप इसका सपना नहीं देखोगे तब तक आप उनके कोर्स में नहीं जाओगे और यूनिकॉर्न कैसे बड़े बड़े बनेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि डिग्री के चक्कर में मत भागिए। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि आपका गोल क्या है, आप लाइफ में किस तरीके का डॉक्टर बनना चाहते हैं, किस तरीके की पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ये आप सबसे पहले गोल डिसाइड करिए अपना। और उस गोल को डिसाइड करने के बाद इन डिग्रियों में से चुनाव करिए। मार्केट में जब उतरते हैं तो डॉक्टर आपको आपका पेशेंट बनाता है। आप कोई भी डिग्री कर लीजिए, अगर आप पेशेंट की परेशानी को सॉल्व कर रहे हैं तो आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। वो पेशेंट आपसे आपकी डिग्री नहीं पूछता, वो पूछता है, वो देखता है कि आप उसकी परेशानी को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी डिग्री करिए, उसमें महारत हासिल करिए। हर डिग्री में अपार संभावनाएं हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हैं।